हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एनी स्टाइल। गाइस, आज का वीडियो क्या है आपको टाइटल से पता चल ही गया है, दिल की बात मन की बात। गाइस, वैसे मैं काफ़ी वीडियो बना चुकी हूँ, सारी ड्रेपिंग पे बना चुकी हूँ, आउटफिट्स आइडिया पे बना चुकी हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना आज के वीडियो में कुछ अपने दिल की मन की बात आप लोगों के साथ शेयर की जाए। साथ ही मेरे पास दो तीन ऐसे कमेंट्स आ रहे थे जिसमें मुझसे गर्ल्स पूछ रही थी कि आपका फिटनेस राज क्या है, दिन भर एक्टिव कैसे रहती हैं, वो भी हम लोगों के साथ शेयर कीजिए। तो मैंने सोचा क्यों ना वीडियो में वो सब भी मैं आपको बताऊँ कि मैं दिन भर ऐसा क्या खाती हूँ जिससे मेरी बॉडी एक्टिव रहती है, और मैंने वेट लॉस कैसे किया क्योंकि मेरा वेट भी काफ़ी ज़्यादा था। एक्चुअली जब मेरी प्रेगनेंसी हुई, डिलीवरी के बाद भी मेरा वेट 87 था। 87 कर से मैंने अपना वेट को 49-50 तक लाई हूँ। तो वही सब बातें मैं आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगी। साथ ही कुछ आपको ऐसे डाइट प्लान बताऊँगी कि आप भी अपना वेट कम करना चाहती हैं तो ये डाइट प्लान आप भी फॉलो कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, लेट्स गो स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं वेट कम करने की। तो गाइस, मेरा वेट भी काफ़ी ज़्यादा था, और एक्चुअली डिलीवरी के टाइम तो मोस्टली सभी गर्ल्स का वेट बढ़ जाता है, और उसके बाद बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो अपना वेट कम कर लेते हैं, वरना तो वो का वही रह जाता है। और मैंने अपने वेट को कम करने के लिए काफ़ी कुछ किया है जब जाके मेरा वेट ऐसा हुआ है, वरना मेरा वेट भी 87 पर रह जाता, जो कि मैं बहुत ही बुरी लगती। मेरे पास उस टाइम की पिक्चर्स तो नहीं है कि मैं आपको अपनी ओल्ड पिक्चर दिखा दूँ, बट मैं यही कहूंगी कि मैंने अपना वेट कैसे कम किया। जब मेरी डिलीवरी हो गई थी, 4 से 5 मंथ के बाद से ही मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी थी। तो अगर आप भी वेट कम करना चाहती हैं तो आप डेली एक्सरसाइज कीजिए। मुझे अब इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं 1 घंटे एक्सरसाइज करूं, बट जितना भी मुझे टाइम मिलता है मैं एक्सरसाइज कर लेती हूं। अगर मुझे आधा घंटा मिला है तो मैं आधे घंटे कर लेती हूं। एंड दिन में जब भी अगर मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मेरे पास टाइम है और मुझे खाना खाए हुए 3 से 4 घंटे हो चुके हैं, तो उस बीच भी मैं एक्सरसाइज कर लेती हूँ। अगर आपको भी ऐसा लगे कि आपको खाना खाए हुए टाइम हो गया तो आप भी एक्सरसाइज कर सकती हैं। मेरी एक्सरसाइज नॉर्मल होती है, कभी मैं सूर्य नमस्कार वगैरह कर लेती हूँ, जो भी नॉर्मल एक्सरसाइज होती है मैं आपको वीडियो में दिखा दूंगी, तो वही आप एक्सरसाइज कर लीजिए, काफ़ी अच्छी है। अगर आप भी चाहती हैं वेट कम करना तो सबसे पहले एक्सरसाइज आज से स्टार्ट कर दीजिए। एंड एक्सरसाइज के साथ साथ आपको कुछ ऐसे डाइट प्लान है जो भी फॉलो करने पड़ेंगे। मोस्टली क्या होता है कि अगर हम एक्सरसाइज तो कर रहे हैं और दिन भर हम फास्ट फूड खा रहे हैं तो हमारी बॉडी पर कुछ भी असर नहीं होगा। तो साथ ही साथ आप ऐसा डाइट प्लान डाइट्स लीजिए जो हेल्थी हो। आप ब्रेकफास्ट में एग ले सकती हैं, ब्राउन ब्रेड ले सकती हैं, प्रोटीन शेक ले सकती हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप खा सकती हैं। साथ ही आप फ्रूट्स खा सकती हैं। मैं मोस्टली अपने ब्रेकफास्ट में ब्राउन ब्रेड लेती हूँ और एग लेती हूँ, और जब मुझे कभी टाइम मिल जाता है तो मैं फ्रूट्स का जूस बना लेती हूँ, जब अगर टाइम मिल जाता है। फिलहाल अभी टाइम नहीं मिल पा रहा है क्योंकि अभी जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो घर से ही चल रही है। आप लंच में दाल ले लीजिए, दाल में काफ़ी प्रोटीन पाया जाता है जिससे आप दिन भर एक्टिव भी रहेंगी। आज से ही फास्ट फूड खाना बंद कर दीजिए। फास्ट फूड कभी भी हेल्थी नहीं होता है, इससे आपके फेस पर बहुत ज़्यादा पिम्पल्स हो जाएंगे, आपकी स्किन का जो ग्लोइंगपन है वो ख़त्म हो जाएगा, आपकी स्किन डल हो जाएगी, और आपकी एज अभी से ही बहुत ज़्यादा दिखेगी। जब आप अनहेल्थी फूड खाएंगे तो आपके जो बाल हैं वो बहुत जल्दी सफ़ेद हो जाएंगे, तो उसकी जगह आप हेल्थी फूड खाइए। आप अपने लंच में, डिनर में और ब्रेकफास्ट में ऐसी चीज़ें खाइए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन हो, कैल्शियम हो। से कम 8 से 10 गिलास आप पानी पीजिए जिससे आपकी बॉडी में एक्टिवनेस भी रहेगी, साथ ही आपकी स्किन भी ग्लो करेंगी और आप कोई भी काम जल्दी से कर लेंगी। क्योंकि कई बार हम ऐसे बहुत से काम करते हैं जिससे हमारी एनर्जी का जो लेवल होता है वो डाउन हो जाता है, तो उसके लिए आप दिन भर पानी पीते रहिए। साथ ही आप ड्राई फ्रूट्स खाइए। अगर आपके बाल अभी से सफ़ेद हो रहे हैं, बाल झड़ रहे हैं, तो डेली रात में आप बादाम को भिगो दीजिए और सुबह 5 से 6 बादाम डेली खाइए। इससे आपकी स्किन भी काफ़ी ग्लो करेंगी, आपके हेयर फॉल की अगर प्रॉब्लम है तो वो भी ख़त्म हो जाएगी। एंड गाइस, आप लंच भी ऐसा खाइए जिसमें दाल हो, ब्राउन राइस हो, ग्रीन वेजिटेबल्स हो, फ्रूट्स हो, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए। एंड गाइस, मैं आपको बताऊं कि मैं अपने लंच में और डिनर में रोटी बिल्कुल नहीं खाती हूँ, मैं रोटी की जगह ब्राउन ब्रेड यूज़ करती हूँ। और अगर कभी ब्राउन ब्रेड नहीं होती है तो जो ओट्स होते हैं उसको आप मिक्सर में ग्राइंड कर लीजिए। मिक्सर में ग्राइंड करने के बाद में उसका चिलड़ा जैसे बनता है वो बना के मैं रोटी की जगह खाती हूँ, और जहाँ तक हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा मैं वेजिटेबल्स खाती हूँ। मेरी
किसी दिन मैं आपको अपनी स्टोरी में लगा के जरूर बताऊंगी अपने इंस्टा पे कि मैं क्या क्या खाती हूँ। और इंस्टा से याद आया, अगर अभी तक आपने मुझे वहाँ फॉलो नहीं किया तो प्लीज गाइस मुझे वहाँ फॉलो कीजिए। मेरी ओल्ड आईडी हैक हो चुकी है, ये न्यू आईडी बनाई है, तो जल्दी से जल्दी इसको 500 तक तो पहुँचा दीजिए, प्लीज जाके आप मुझे वहाँ फॉलो कीजिए। एंड गाइस मोस्टली गर्ल्स ने मुझसे पूछा था कि आप एक्टिव कैसे रहती हैं, मैं एक्टिव कैसे रहती हूँ। अगर आप भी एक्टिव रहना चाहती हैं तो आज से अपने खाने में कार्बोहाइड्रेट्स की जो मात्रा होती है उसे कम कर दीजिए। अगर आप 2 रोटी खाती हैं तो उसकी जगह 1 रोटी खाइए और वेजिटेबल्स ज्यादा खाइए। साथ ही गाइस मैं नमक बिल्कुल यूज नहीं करती हूँ। अगर आप नमक बंद कर देंगे तो आपकी बॉडी में अपने आप ही एक्टिवनेस आ जाएगी। आप नमक की जगह सेंधा नमक खाइए, सेंधा नमक हमारी बॉडी के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। और मीठी चीज़ें जो भी होती है वो आज से बंद कर दीजिए। मैं बिल्कुल मीठा नहीं खाती हूँ, ये इन सब चीज़ों को आप बंद कर दीजिए। इसकी जगह हेल्थी फूड्स खाइए। आप अपने लंच में इडली सांभर भी बना सकती हैं, वो भी काफ़ी हेल्थी रहता है। और ऐसी चीज़ें खाइए जिनमें ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर हो, ड्राई फ्रूट्स खाइए आप, ओट्स खाइए, ओट्स में बहुत ज़्यादा फाइबर पाया जाता है। और गाइस एक्टिव रहने के लिए आप कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा को कम कर दीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, भरपूर नींद लीजिए, स्ट्रेस को दूर कर दीजिए, एक हेल्थी लाइफ जियो। और उससे पहले सबसे पहले आप खुद से प्यार करना स्टार्ट करो। जब आप खुद से प्यार करेंगे तो खुद के लिए सब कुछ करने का बहुत अच्छा मन करेगा। खुद के ऊपर ध्यान देना स्टार्ट कीजिए। मैं मोस्टली अपने लिए जरूर टाइम निकालती हूँ। कई बार मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास अपने लिए टाइम नहीं है, तो मैं अपने लिए जरूर टाइम निकालती हूँ। मुझे एक्सरसाइज वगैरह करना काफ़ी अच्छा लगता है। जितना भी मुझे टाइम मिलता है, अगर मुझे आधे घंटा मिला है तो मैं आधा घंटा एक्सरसाइज करती हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा ही बिजी है। मेरे भी 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चों को संभालना और उनकी डेली ऑनलाइन क्लासेस चलती है, उनके बाद घर का काम भी करना, अपना वीडियो शूट भी करना, एडिटिंग भी करना, और डेली मेरी वीडियो आती होगी, आप खुद देख सकते हैं। तो इन सबको मैं भी मैनेज करके चलती हूँ, और उसके बाद अपनी बॉडी पर भी असर पड़ने नहीं देती हूँ कि मेरा कहीं वेट बढ़ जाए। मैं अपने लिए कुछ जितना भी टाइम निकलता है मैं अपने लिए टाइम निकाल ही देती हूँ। तो गाइस मैं यही कहूँगी, आप अपने से प्यार कीजिए, अपने लिए टाइम निकालिए, खुद को टाइम देना स्टार्ट कर दीजिए। आपकी पहली ज़रूरत आप खुद हैं। अगर आप खुद से प्यार करेंगे, खुद के लिए टाइम निकालेंगे, तो अपने आप आपका मन करेगा कि अगर मेरा वेट ज़्यादा है तो मैं अपने आप पर ध्यान दूंगी, वेट कम करूंगी। मोस्टली गर्ल्स खुद से प्यार नहीं करती हैं, इसलिए जाके फास्ट फूड खाती हैं। फास्ट फूड सबको अच्छा लगता है, और याद करिए वही चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं जो खराब होती हैं। आपको ग्रीन वेजिटेबल्स अच्छी नहीं लगती होंगी, बट ग्रीन वेजिटेबल्स हमारी बॉडी के लिए काफ़ी फायदेमंद है। इनमें काफ़ी फाइबर होता है, आयरन होता है, प्रोटीन होता है, जो हमारी स्किन, हमारी बॉडी को हेल्थी ग्लोइंग रखने के लिए काफ़ी जरूरी है। सबको आप आज ही से स्टार्ट कर दीजिए। और इससे रिलेटेड आपको कुछ भी पूछना हो तो आप मुझसे कमेंट्स करके पूछ लीजिए।